Assalamualaikum, Namaste, Sashyakal, Hello. आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन और मैं हूं आपका दोस्त आसिम सर्वर. आप में से बहुत से लोग कनाडा इमिग्रेशन के बारे में मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स करते रहते हैं, कनाडा इमिग्रेशन के बारे में पूछते हैं. तो देखें, कनाडा इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, उसको समझना एक उसी बंदे के लिए पॉसिबल है जो इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं. जैसे आप लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास चले जाएँ या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, वही लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं. देखें, जिसमें वर्क परमिट होता है, पीएनपी, एक्सप्रेस एंट्री, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं. तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. अप्लाई के दो तरीके होते हैं. एक तो मेरी नज़र में पहला है कि आप लोग खुद अप्लाई करो, डू इट योर सेल्फ. डी आई वाई एक फार्मूला है. मैं समझता हूँ कि अगर आप खुद कर सकते हो तो आप खुद करो. उसके अलावा अगर आपसे नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ता है. इन चीज़ों में जाके वो लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि जो इस चीज़ को पढ़ के आते हैं, जो एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं. तो अगर आपसे खुद नहीं होता तो आप एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ या एक इमिग्रेशन लॉयर के पास जाओ जो कि ऑथराइज्ड हो, जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, जो कि रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हों और उसके अलावा ICCRC बोर्ड के मेंबर हों. तो आज हमारे पास यहाँ पर शाहरुख भाई और जुमराती साहब मौजूद हैं, जो कि जुमराती साहब की मैं आपसे बात करूँ, जुमराती साहब इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं और 25 साल से इनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और बहुत सारे इन्होंने केसेस किए हैं. मैंने भी बड़ा नाम सुना था इनका और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे किसी दिन मिलूं और आप लोगों के लिए भी आसानी हो. और उसके अलावा हमारे साथ शाहरुख भाई हैं, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ये रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं. और आज हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि शाहरुख भाई इस फील्ड में कैसे आए, जुमराती साहब इस फील्ड में कैसे आए और ये लोगों को किस तरह से और कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आई विल गो विद जुमराती साहब. सो जुमराती साहब, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हाउ डिड यू कम टू दिस इंडस्ट्री एंड व्हाट कैन यू डू फॉर पीपल. आई विल. हेलो एवरीवन. चलो माशाल्लाह हमारा मुलाकात भी हो गया. सो वेरी नाइस दैट वी मेट फाइनली एंड योर यूट्यूब चैनल इज वेरी सक्सेसफुल एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर to contribute to your channel and reach out to your audience, and if we can be of any help, we're always happy to do that. Like you rightly said, jo bhi apne aap kar sakte to no problem. Yeah. We always encourage everyone, and we are not saying you need us. Yes. Some people hire us because they have 1% doubt. Most people hire us because they have 2% doubt, and some of the applications are complex, a bit tedious, but a lot of things are available on the Government of Canada's website. Yeah. Read those, that's the source. But what you read on the website, on the Canadian website, Canadian government's website, is not the law, but it gives very good guidance. You can do it yourself. But if anyone needs us as immigration lawyers or immigration consultant, then we are here to help. We'll be happy to assist. I am originally from a small place, small island, Mauritius. Okay. And I went to England to become a barrister. I did become a barrister, alhamdulillah. And then made my way after that to Canada, and I loved the place and I thought this would be a wonderful place to live, and I became a lawyer here in Canada. It's barrister and solicitor, and then I've only practiced immigration law, alhamdulillah, for almost 25 years. So this is what I know and this is what I do, and I love it. We do the whole extent of immigration, from visitor, the easiest, to work permit, to permanent residency, to refugee applications, to business immigration, appeals. We do a lot of appeals because there are many refuse cases. Mm-hmm. So we see a lot of appeals. We're from Immigration Appeal Division to Federal Court to the Supreme Court of Canada. Appeals lawyers can appear. And on my team, it's not just me. I have very good people, very good. I need good people in my team. Yeah. With the volume of work, with the complexity of work, we need good, reliable and experienced people. And Shahrukh Naseer is one of those. Yeah. He's a licensed consultant. And we only deal with licensed people. Whether it's accountant, it's licensed accountant. Okay. It's a business consultant, people who have licenses. So we come as a team of licensed people. You know, starting from myself, a licensed lawyer in Canada.
And Shahrukh is a licensed consultant. So we are authorized to represent people who want to immigrate to Canada. Okay. We are not going to talk about details today. Yeah, it's okay. Just about just an introduction, you know, like, so people know you, like yeah. You know what you're doing. And, in future episodes, hopefully, we can elaborate on different programs based on feedback. Maybe nobody will view this video, so if it's 5 hits, then you will say, Mr. Joomratty, just forget it. You're not needed, right? Yeah, so if there is response and people want to connect with us, we'll be very happy to, as we have done. And our clients, we are sitting in Canada, but we have presence in a lot of countries around the world, especially UAE, because the interest is always huge there because of the large volume of expats who are always looking for a permanent home. Yeah. And we know it's... UAE is a very good place to be, very good place to work, very good place to... And I'm sure there will be a good response because, you know, like, it's not easy to find an immigration lawyer, especially in this industry nowadays when there are so many scams and frauds going on, you know, like around the world. So finding a licensed immigration consultant or lawyer, it's pretty hard. And personally, I know you from long time. I have heard about you a lot, and I want you to work with you. Okay. And people know me, you know, like they trust me, they trust my channel. So that's why I am doing this for them. Yes. Yeah. We have presence everywhere, a lot of places, not everywhere, in many places. UAE is where we would have been if there was no COVID. We went there, we started the process. I went to the Canadian embassy and did a lot of paperwork. But then COVID happened, but we will be there. And then we have clients from Europe, from South America, and US, mm-hmm. England, and from places you wouldn't think. So everyone wants to come to Canada. Yes, of course. And there are strict criteria to get in. So our first job is to make sure to advise our clients, our potential clients, that they are eligible, they qualify. Otherwise, we don't talk about anything. No money, no talk, no contract. Fair enough. So. Yeah. We only represent people who we know are eligible and we can help. Okay, inshallah, we'll be here and then we can talk further. So if you let's, good luck and very happy to be on your channel. Yeah. Thank you so much. So ye the Joomratty sahab, jo ke abhi inhone kahin jana hai, to hum abhi, we'll move on to Shahrukh bhai. He is licensed immigration consultant. So we would like to know from Shahrukh bhai that what can he do for our audience, for our clients who wants to come to Canada. बहुत शुक्रिया आसिम मुझे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कराने का. Joomratty साहब ने माशाल्लाह एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन किया. इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी इन्हीं के एक्सपीरियंस की वजह से, जिस तरह का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थैंक गॉड वॉल्यूम आता है, उसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस बिल्ड किया. तो मैं किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक तो ऑब्वियसली आपको अगर उर्दू हिंदी पंजाबी में कोई मदद कर चाहिए या बोलने में किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं. हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत बड़ा है, तो अगर मैं उसको आपको रफली जनरली उसको एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह है कि हम लोग वर्क परमिट से लेके LMIA से लेके स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन से लेके प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन से लेके बिजनेस इमिग्रेशन एप्लीकेशन रिफ्यूजल्स अपील्स फेडरल कोर्ट में जो भी चीज़ें जाती हैं अपील्स होती हैं रिफ्यूजल्स होते हैं उसमें हम टोटल इमिग्रेशन को कवर करते हैं. अच्छा. और ये हमारे पास कह लो कि ये कैपेबिलिटी है क्योंकि एक तो हमारे पास वकील मौजूद हैं बैरिस्टर सोलिसिटर्स मौजूद हैं, दूसरे हमारे पास बिजनेस कंसल्टेंट जिनको हम एक्सटर्नल तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी सारे लाइसेंस्ड हैं जो हमें बिजनेस इमिग्रेशन में मदद करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं. तो हम जिस तरह Joomratty साहब कह रहे थे कि हम लोग हमेशा लाइसेंस्ड बंदे के साथ काम करते हैं और इसलिए हमारा जो कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें. तो ये हम लोग आपके क्लाइंट्स को, जो भी बंदा ये सुन रहा है, हमारा कमिटमेंट ये है क्लाइंट को कि हम आपको क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और वो पूरे इमिग्रेशन को कवर करती हैं. और कुछ चीज़ें इमिग्रेशन से आप कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है हर कोई परमानेंट रेजिडेंसी पे आ रहा हो LMIA पे, और काफ़ी लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जो यहाँ आके स्टक हो गए, वो वहाँ स्टक हो गए, उनको अपने केस में मदद चाहिए. तो अगर उनको इंटरवेंशन चाहिए, कोई बंदा चाहिए जिसको वो अपना केस दें एक सेकंड रिव्यू के लिए या मदद के लिए, डजंट मैटर कि उन्होंने पहले आपसे केस लिया ना, आप उनकी हेल्प तब भी कर सकते हैं. हम लोग मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे जहां तक हो सकता है. और जिस तरह मैं और Joomratty साहब आपको दो बंदे टीम के नजर आ रहे हैं, हमारे पीछे 10-15 बंदे हैं. अच्छा. जो कि माशाल्लाह कम्बाइंड एक्सपीरियंस, तो मुझे भी आके ही समझ आया था, तो कम्बाइंड एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह I would say it's close to 50 years. Yeah. And that's saying a lot about when आप औरों से कंपेयर करें तो आपको एक एडवांटेज नज़र आती है और आपको काम में वो नज़र आएगा.
کہنے سے وہ نظر نہیں آئے گا جو ہم آپ کو ریزلٹس دے سکتے ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا اور الحمدللہ کا شکر ہے ہم ریزلٹس دے چکے ہیں بیسیکلی جی ان کے پاس یہ جیسے ایک پوری ٹیم ہے فل ٹیم ہے جیسے ایک کرکٹ کی پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں آپ کو بالرس بھی چاہیے ہوتے ہیں کیپر بھی چاہیے ہوتا ہے ایک بیٹس مین بھی چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح ان کے پاس لائسنس کنسلٹنٹ بھی ہیں امیگریشن لائر بھی ہیں جمراتی صاحب تو جو میرا خیال میں ایک ٹیم مل کے کام کر سکتی ہے وہ ایک اکیلا انڈیویجول پرسن نہیں کر سکتا جس میں آپ اسٹڈی ویزا وزٹر ویزا ایل ایم آئی اے ورک پرمٹ پی این پی ایکسپریس انٹری تقریباً سارے ہی اسٹریم کو یہ ڈیل کرتے ہیں تو اور یہ بھی ہے جو people who have PR card who have that have expired or about to expire there kitne bande hote hain ke their families PR card has expired they think ke chal hamara PR card PR status khatam ho gaya nahi ye it's not true okay. we will tell you if it's still valid you can still there are ways to come back to Canada okay. 5 years 10 years expiry doesn't matter there are possible not in every case but bahut se cases hain where we appeal and we are successful if it's not possible we'll tell you it's finished so that's one point I wanted to add because bahut se log hain there are many consultants and lawyers and you know but the expertise that you develop over the years to fight appeals to fight for cases for in cases where people have lost their PR card has expired they think they have lost their PR Yeah. But you don't lose But they can still come. You can help with that. اور یہ دبئی میں بہت اس طرح کے یو اے ای میں جی سی سی جنرلی میں کافی لوگ اس طرح شروع میں آئے تھے ارلی 2000s میں اپنی فیملیز پار کر کے واپس لے گئے وہ سمجھ رہے ان کی پی آر ختم ہو گئی یا واپس خود چلے گئے فیملی سے بھی تو ضروری نہیں ہے اور آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہم اسیس کر کے آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں ہر ہفتے تقریباً ہمیں ایک کوئری آتی ہے دبئی سے اس طرح کی یا جی سی سی سے سو ول بی مور دین ہیپی ٹو لک ایٹ دی کیس اینڈ اسیس ٹھیک ہے چلیں جی یہ تھے ہمارے ساتھ شاہ رخ بھائی اور جمراتی صاحب جو کہ امیگریشن لائر ہیں اور شاہ رخ بھائی لائسنس امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں اور آج انہوں نے ان کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ونس اگین کہ انہوں نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیا ہماری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا میں ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز ذرا ویڈیو میں آ کے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اگر فیوچر میں ہم سے یا ان سے کوئی بھی سروسز لیں گے تو ان کو پتہ ہو کہ کس سے بات کر رہے ہیں کون ہے آگے تو تھینک یو سو مچ شاہ رخ بھائی جمراتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آئی ایم شیور کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اگر آپ لوگوں نے ان سے سروسز لینی ہے تو ہم ڈسکرپشن میں ان کے جو بھی کانٹیکٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سروسز ان سے لے سکتے ہیں تو چلیے آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا السلام علیکم